बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 एग्रीकल्चर पार्ट 2 प्रोडक्शन। तो इससे पीछे वाला जो यूनिट था, यूनिट 6, उसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर पार्ट 1, जिसमें उसमें हमने बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में होता क्या है और पाकिस्तान में जो है ना एग्रीकल्चर का क्या कुछ निज़ाम है, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती हैं और कौन कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है वो उसको फ़ायदा या नुकसान है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इस यूनिट में बेसिकली हम प्रोडक्शन देखेंगे, पाकिस्तान में किस तरह की जो है ना वो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होती है। तो इस यूनिट में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट के, फिर पाकिस्तान में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, यानी दो तरह की क्रॉप्स हैं जो रबी और खरीफ हैं। अब रबी का दूसरा जो है वो हम कहते हैं जो विंटर क्रॉप्स हैं, जो अभी यानी चल रही हैं पाकिस्तान में, जो अभी आगे हम काटेंगे मार्च अप्रैल में। दूसरे हैं जी खरीफ, जो समर क्रॉप्स हैं जिनको यानी मौसम गर्मा की क्रॉप्स भी कहते हैं। फिर डिवीजन ऑफ क्रॉप्स किस तरह है, किस तरह कुछ रीजन में। फिर फूड क्रॉप्स कौन सी हैं पाकिस्तान में, ये जो फूड वगैरह के लिए की जाती हैं फसलें। देन जो है ना नॉन फूड या कैश क्रॉप, जो मोस्टली जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट वगैरह की जाती हैं या बेची जाती हैं। फिर फूड क्रॉप्स और फिर कैश क्रॉप्स। देन जो है ना वो कंडीमेंट्स वगैरह, मसाला जात और वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स और फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो ना हम इस यूनिट में इंशाल्लाह देखेंगे। और एंड पे देन जो है वो पल्सेस, दालें वगैरह जो हैं वो। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली वही चीज़ें हैं जो इससे पहले हम 3-4 यूनिट में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पहले माउंटेन्स वाले में पढ़ा था, फिर प्लेन वाले में पढ़े, फिर प्लेटोज पढ़े, देन जो है ना क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, फिर हाइड्रो वाटर के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में जो है दरिया वगैरह है, नेचुरली अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है इसको लैंड को गिफ्टेड, जो है वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, इसमें अल्लाह ने नवाजा इस लैंड को। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन में यही कुछ है कि पाकिस्तान जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, इसको कंसिडर किया जाता है बैकबोन पाकिस्तान की, ठीक है, बैकबोन जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेक्टर की, इसको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो क्रॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं, कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली सपोर्टेड की जाती है इस सेक्टर से, यानी मोस्टली जो है ना वो, क्योंकि पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है इस पे। 26% जो है ना वो GDP, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी पाकिस्तान में जो कंट्री में बनाई जाती हैं चीज़ें उनमें से जो है ना वो जो 26% है वो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो इम्प्रूव पाकिस्तान में जो है ना इम्प्रूव की जा रही है प्रोडक्शन को, इन रिसोर्सेज को जो है ना वो मेनली यूटिलाइज किया जा रहा है फुली, क्योंकि पाकिस्तान की जो लैंड है वो होल्ड कर रही है 40% ऑफ एरेबल लैंड है ओन्ड बाय द हैंड्स के कंट्रोल, जहाँ पे इरीगेशन सिस्टम है 10 टॉपेज, यानी तो इसमें अगर कुछ भी चीज़ें हैं तो वो फ्रीक्वेंटली उसको रिफॉर्म करते हैं। और 42% जो पाकिस्तान के वो इस सेक्टर के साथ जो है वो अब्सॉर्बिंग सेक्टर के साथ लिंक है। अगर 27 to 28 तक के रिमार्केबल ग्रोथ हुई है, 3 to 3.8% जो है ना वो इस परफॉर्मेंस में इंक्रीज हुई है, और ये जो है ना वो एज अ क्रॉप सेक्टर जो रिकॉर्ड किया गया ग्रोथ ऑफ 3.83% एज कम्पेयर टू 0.91% इन लास्ट ईयर, और 0.91% जो है वो लास्ट ईयर में काउंट किया। तो ये बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन था इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले है कि अब जो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मकासद क्या है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या सीख जाएंगे, क्या कुछ उन्हें पता चल जाएगा। तो एक तो वो इम्पोर्टेंस सीख जाएंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है जो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी। देन डिवीजन ऑफ क्रॉप किस तरह, यानी जो रबी हैं वो कौन सी हैं, जो खरीफ हैं वो कौन सी हैं। फिर स्टैंडर्ड फिजिकल कंडीशंस की कौन सी चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए। फिर रीजन प्रोड्यूसिंग दीज क्रॉप्स, कौन सी रीजन क्रॉप्स कौन से रीजन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कैश क्रॉप्स कौन सी हैं, फूड क्रॉप कौन सी हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन ओवर डेली लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह आप इसके बाद कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब सबसे पहले क्रॉप्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में वैसे तो एक वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है कि डिफरेंट तरह की लैंड फॉर्म है, ज़मीन है, यहाँ पे क्लाइमेट है। तो हम जो है ना बेसिकली जो मेजर जो है ना 2 सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं, समर एंड विंटर, यानी मौसम गर्मा और मौसम सर्मा, दो यानी जो है ना हमने यहाँ मौसम देखते हैं। तो इन मौसम की वजह से इनको दो तरह की यहाँ पे फूड्स होती हैं, सब्जी क्रॉप्स वगैरह फसलें यूनि होती हैं, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, रबी और खरीफ क्रॉप्स होते हैं। रबी क्रॉप्स आर यूजली कॉल्ड एज विंटर क्रॉप्स, तो जो रबी क्रॉप्स हैं उनको सरमा की क्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है, विंटर क्रॉप्स, और जो खरीफ वाली हैं उनको मौसम गर्मा की क्रॉप्स भी कहा जाता है। अब रबी और जो ना खरीफ में क्या डिफरेंस है,
दीज क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर, अब जो रबी वाली होती हैं ये अक्टूबर में जो है ना बोई जाती हैं इनके बीज वगैरह, एंड नवंबर, और नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में, यानी जो 10th और 11th मंथ है यानी सर्दियों के स्टार्ट में, इसमें ये बोई जाती हैं आफ्टर मानसून रेनी सीजन एंड स्टार्ट ऑफ विंटर। जब मानसून की जो रेनी सीजन होती है, जो सीजनल रेनी बारिशें हैं वो जब रुकती हैं, हमारे यहाँ जिनको चड़ी वगैरह कहते हैं, ठीक है, वो जब रुकती हैं तो उसके बाद जो है ना विंटर स्टार्ट होता है, तो उसके स्टार्ट में अक्टूबर और नवंबर में ये जो रबी या विंटर क्रॉप्स हैं उनको बोया जाता है, एंड आर यूजली हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग में इनको काटा जाता है यानी मार्च टू मे, मौसम बहार में इनको काट लिया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल जो है रबी क्रॉप्स की, अभी जो हमने बोई हुई हैं जो हमारे खेतों में है, उसमें वीट है, बार्ले है, ग्रेन्स है, ऑयल सीड्स, तो ये सारी जो है ना वो जैसे सरसों वगैरह है, ठीक है, फिर वीट है, अभी जो है ना वो जिसको हम कहते हैं गंदम वो, और बार्ले वगैरह जो है ना वो सारी, ये सारी जो है ना वो रबी फसल है। दूसरी इसके साथ साथ में यूज होती है जी खरीफ या फिर समर क्रॉप्स। अब ये जो खरीफ है इनको समर क्रॉप्स भी कहते हैं, ये ऐसी हैं जो हम अगर अप्रैल में वो काटेंगे तो उसके बाद जो है ना वो खरीफ है। खरीफ अब अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर ऑटम सिंस द सीजन कंसाइड्स विद द बिगनिंग ऑफ द ऑटम और विंटर, तो विंटर के एंड पे, या फिर जो है ना वो अब जो अरेबिक वर्ड खरीफ है इसका मतलब होता है ऑटम, ठीक है, लेकिन ऑटम सिंस द सीजन, तो ऑटम में जो है ना वो सीजन है कंसाइड्स विद द बिगनिंग ऑफ द ऑटम और विंटर, जिसका जो है ना वो कंसाइड इस तरह किया जाता है कि ऑटम और विंटर का जो है ना वो जो स्टार्ट में क्रॉप जो है ना वो जो बोई जाती है। दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप, इन क्रॉप्स को खरीफ को जो है ना वो मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। अब खरीफ क्रॉप्स सोन इन स्प्रिंग सीजन, तो इनको स्प्रिंग सीजन में यानी मौसम समर के शुरू में जो है ना इसको बोया जाता है, फ्रॉम फरवरी टू मई, जो फरवरी टू मई में जो है ना वो स्टार्ट होता है, एंड हार्वेस्टेड इन द विंटर, और विंटर में इनको काटा जाता है। हार्वेस्टिंग हैज डन इन द बिगिनिंग ऑफ ड्यूरिंग द विंटर सीजन हैज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ज़ैद रबी एंड ज़ैद खरीफ क्रॉप्स, तो ये जो है ना आप विंटर में भी काटी जा सकते हैं या फिर स्कैंस बिगनिंग ऑफ द विंटर या विंटर की बिगनिंग में ही काट ली जाती है, ठीक है। जैसे जाहिर सी बात है अगर अक्टूबर नवंबर में वो काटते हैं हम, तो इसको फिर जो है ना वो अगस्त और सितंबर वगैरह में इसको हम काटेंगे। अब ये अभी आगे दो तरह की हैं, एक ज़ैद रबी है एंड एक ज़ैद खरीफ क्रॉप्स है। दिस इज मोस्टली डन इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड सिंध, ये जो खरीफ वाली है क्योंकि समर वाली है तो ये गर्म इलाके पंजाब में, तो मोस्टली वहाँ पंजाब में ये इनको बोया जाता है। कॉमन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर, अब खरीफ क्रॉप की कॉमन एग्जांपल जो है वो रुई है, कॉटन, मेज, मकई, मिलेट जो है ना जिसको ज्वार एंड बाजरा कहते हैं, और शुगर कैन, ये गन्ना, राइस वगैरह जो है ना ये मौसम खरीफ की कुछ क्रॉप्स हैं। तो ये समर यानी वो रबी उनको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं और खरीफ उनको समर क्रॉप्स भी कहते हैं। रबी वाली हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं और खरीफ वाली हैं जो गर्मियों में बोई जाती हैं। अब इसको आगे जो है ना जो टाइप्स इसकी की गई थी खरीफ की, उनमें एक आती है ज़ैद क्रॉप्स और दूसरी है ज़ैद रबी और दूसरी ज़ैद खरीफ क्रॉप। तो अब अगर ज़ैद क्रॉप देखी जाए, देर इज ऑल्सो ए शॉर्ट सीजन बिटवीन सीजन ऑफ खरीफ एंड रबी, एक शॉर्ट सीजन आता है यानी गर्मा और सर्मा के दरमियान, इन द मंथ बिटवीन मार्च जुलाई, मार्च और जुलाई के दरमियान एक खास सीजन आता है, शॉर्ट सीजन आता है। द क्रॉप्स दैट कल्टीवेटेड इन दिस सीजन आर कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स, उनको ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं जो इन दोनों सीजन के दरमियान में ग्रो की जाती हैं या हार्वेस्ट की जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन एरीगेटेड लैंड, ये क्रॉप्स मोस्टली जो है ना उस जगह पर की जाती हैं जहाँ पे आप पाशी का प्रॉपर निज़ाम होता है, पानी का यानी प्रॉपर सिस्टम होता है, वहाँ पे जो है ना वो ये फसलें जो होती हैं ज़ैद क्रॉप्स इनको किया जाता है हार्वेस्ट। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज क्रॉप इज दे डोंट हैव टू वेट फॉर द मानसून, ये मानसून के लिए नहीं करती, दे रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर फॉर ग्रोथ एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, इनको क्या होता है कि इनको इनकी रिक्वायरमेंट होती है एक तो लॉन्ग डे हो, ड्राई वेदर हो यानी इतनी उसमें नमी वगैरह ना हो। तो अब कॉमन जो ज़ैद टाइप जो है ना उसमें है पम्पकिन वगैरह सब्जियां यानी क्यूम्बर है, बीटर गॉर्ड यानी करेला वगैरह, ब्रासिका, सरसों, ब्रासिका कंपेस्टर यानी समसरू आर यूजली कॉल्ड एज इंडियन रेप और मस्टर्ड, इसको इंडियन रेप या फिर मस्टर्ड भी कहते हैं। अब रबी क्रॉप्स को जो है ना वो फर्दर डिवाइड भी किया गया है इंटू ज़ैद रबी एंड ज़ैद खरीफ क्रॉप्स। ज़ैद रबी आर द क्रॉप्स दैट आर
हार्वेस्टेड अ लिटिल आफ्टर द एंड ऑफ द रबी सीजन एंड जायद खरीफ क्रॉप्स आर द हार्वेस्टेड अ लिटिल आफ्टर द एंड ऑफ द खरीफ सीजन। तो ये जो जायद रबी और जायद जो खरीफ है, ये जब इन दोनों के सीजन खत्म हो जाते हैं, यानी जायद रबी का जब सीजन खत्म होगा तो उसके एंड पे जो बोई जाएंगी वो जायद सीजन रबी सीजन कहलाएंगे, और जो जायद खरीफ के एंड पे होंगे इनको खरीफ सीजन जो है ना वो कहेंगे। तो ये दोनों जो है ना ये इनके आगे टाइप्स। अब जो डिवीजन ऑफ क्रॉप्स किस तरह है पाकिस्तान में, द प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। पाकिस्तान में तीन कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइडेड हैं जो हैं क्रॉप्स वगैरह हैं। एक है फूड क्रॉप्स, दूसरी है कैश क्रॉप्स और तीसरी है प्लांटेशन। ठीक है, अब फूड क्रॉप्स में वो चीज़ें आती हैं जो हम मोस्टली खाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वीट है, ठीक है, गंदम, मेज़, मकई, राइस, चावल, मिलेट, ये जोर जवार, पल्सेस, दालें। और अगर कैश क्रॉप्स में देखें जो मोस्टली एक्सपोर्ट की जाती हैं, बेची जाती हैं, उसमें शुगर कैन, गन्ना है, टबैको है, कॉटन, रुई है, जूट है एंड ऑयल सीड है, यानी जो सरसों वगैरह ऑयल सीड जो है ना। और फिर नेक्स्ट है प्लांटेशन में, अगर देखे जाए तो क्रॉप जैसे कॉफ़ी वगैरह, कोकोनट, टी एंड रबर वगैरह जो है ना इनकी प्लांटेशन भी की जाती है, प्रॉपर लगाई जाती हैं। अब फूड क्रॉप्स में देखें तो देर आर प्लांट्स विच आर इंटेंशनली ग्रोन विद द प्राइमरी पर्पज ऑफ बींग ईटन। ये जो फूड क्रॉप्स हैं, अब इनका जो प्राइमरी पर्पज़ होता है वो होता है खाने के लिए बाय ह्यूमन और एनिमल्स, यानी एनिमल्स और इंसानों की खुराक के लिए जो फूड वगैरह जो है ना वो इंटेंशनली ग्रोन की जाती है उनको फूड क्रॉप्स कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप जो पाकिस्तान में है वो वीट है, राइस है एंड मेज है, बार्ले एंड मिलेट आर कंसिडर्ड माइनर फूड क्रॉप। अब जो मेन है वो हम जो है ना वो वीट खाते हैं, ठीक है, राइस खाते हैं और मेज़ खाते हैं, जबकि कुछ जो बार्ले और मिलेट वगैरह को भी जो है ना माइनर फूड क्रॉप्स कंसीडर किया जाता है। अब नॉन फूड कैश में देखा जाए, अगर नॉन फूड कैश या कैश क्रॉप्स में, तो ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं ग्रोन टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग देम इन मार्केट प्लेस और विद इन इंडिविजुअल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये इसलिए कास्ट की जाती हैं, इनको इसलिए जो है ना हार्वेस्ट कल्टिवेट किया जाता है ताकि इनको बेच के आप मुनाफा कमाएं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वगैरह को बेचते हैं इनको। अब पाकिस्तान में ये जो इंपॉर्टेंट है वो शुगर कैन है जिसको गन्ना भी कहते हैं, ठीक है, दूसरी है कॉटन है, रुई, जूट है, शुगर बीट है, ग्राउंड नट है और टोबैको वगैरह है, ये सारे जो है ना वो नॉन फूड यानी कैश क्रॉप्स हैं। अब यहाँ तक कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है कि कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान, डिस्कस द डिफिनेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन। तो सीजन के लिहाज से खरीफ और रबी का आपने डिफरेंस बताना है, और पहले आपने बताना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के सेक्टर का, ये बैकबोन है। What do you know about the cash crops of Pakistan? तो cash crops वो crops जो बेचने के लिए use की जाती हैं profit कमाने के लिए, ठीक है। What are zayd crops? What do you understand the difference between zayd kharif and zayd rabi crops? zayd crops वो होती हैं जो mostly मार्च टू जुलाई उन सीजन में होती हैं, जो एक सीजन जो होता है उसके एंड पे जो है थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें जो काटी जाती हैं। अब zayd kharif जब खरीफ का सीजन खत्म होगा उसमें जो उनकी जो फसलें जो हार्वेस्ट की जाएंगी उनको ज़ैद खरीफ कहते हैं, और ज़ैद रबी जो रबी के एंड पे की जाएंगी। तो दैट्स यहाँ तक जो है ना ये था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। अब फूड क्रॉप्स की अगर बात करें तो फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं, हम ऊपर उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं कि वो क्रॉप्स जो जिनका सिंपल सोल जो पर्पज है यही है कि हमने जो है ना फूड के लिए उनको कल्टिवेट करना है इंसानों और एनिमल्स की फूड के लिए। तो वीट जो है ना वो एक स्टेपल है, इज द स्टेपल फूड डाइट ऑफ कंट्री। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो वीट, जो गंदम का आटा है, वो मोस्टली जो है ना एज अ फूड यूज़ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान फोर्थ पोजीशन एशिया में करता है जिसकी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वीट की, फोर्थ कंट्री है, ठीक है। 2.9% जो इसकी GDP का है वो कंट्रीब्यूट करती है वीट। तो इट हैज़ रोल टॉलरेंस को, इट हैज़ कोल्ड टॉलरेंस, देयरफॉर ग्रोन एज अ लॉन्ग ड्यूरेशन विंटर क्रॉप। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, एक विंटर क्रॉप के लिए की जाती है। फिर वीट जो है ना एक टॉल प्लांट होता है जिसकी हाइट जो है ना, अब वीट के प्लांट की वो नाटक बता रहा है कि इसकी हाइट जो है वो 1.2 meter होती है, इसके साथ प्रॉपर जो है ना वो आगे ग्रेन वगैरह लगते हैं। अब वीट जो है ना वो मैन्युफैक्चर करता है फ्लोर बनाने के लिए, आटा बनाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेकफास्ट फूड एंड एड अ फीड फॉर लाइफ स्टॉक। और इसका जो होता है जिसको हम अपनी इसका जो भूसा वगैरह होता है, ठीक है, वो उसको हम अपने जबान में वो कहते हैं, वो भी जो है ना इसकी मदद से यूज़ किया जाता है जो लाइफ स्टॉक को बैन करता है। मेनली इसके जो है ना तीन पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, एंडोस्पर्म एंड जर्म, गर्म या जर्म।
तो आउटर शेल जो होता है वो हार्ड होता है, इज कॉल्ड एज ब्रेन विच कंटेन्स मिनरल्स। आउटर शेल में आप मिनरल्स वगैरह, फाइबर वगैरह होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। एंडोस्पर्म जो है मिडल होता है, जिसमें मेड अप ऑफ कार्ब्स होता है। द इनर लेयर इज नोन एज जर्म विच कंटेन वाइटामिन, और इनर लेयर जो है ना वो वाइटामिन प्रोटीन और मिनरल्स होता है। यानी इस तरह का इसका दाना होता है, उसमें उसकी उसने तीनों लेयर में डिवाइड कर दिया। ऊपर ब्रेन है, एंडोस्पर्म है और जर्म है, तो वो फिर तीनों का उसने बता दिया। तो वीट गुड सोर्स है जो लोअर करता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज टेकन फ्रॉम इट्स फाइन फॉर्म, अगर इसकी फाइन फॉर्म में ली जाए तो। ये फिर जो है ना स्ट्रोक, रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ऑबेसिटी एंड टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज को से भी रिड्यूस करता है। ये हेल्थी करता है हमें, हेल्थी डाइजेशन, रिड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड रिस्क कैंसर से भी जो है ना हमें हेल्प करता है। यानी इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। होल ग्रेन्स आर नॉट हेल्थी फॉर एवरी मैन इन लाइफ एंड टू न्यूट्रिशन मस्ट बी कंसल्टेड इन दैट केस। तो जो है ना हर चीज़ ज़्यादा मिकदार में जो है वो नुकसान ही पहुंचाती है, तो ये फिर एक मुनासिब मिकदार में खाई जाए तो फ़ायदा मंद है। दूसरी चीज़ है जी फिजिकल कंडीशन, आप कौन सी हैं ग्रोथ के लिए इसकी वीट की। तो सबसे पहले क्लाइमेट वहाँ का किस तरह का होना चाहिए जहाँ पे ये हो, फिर टेम्परेचर, फिर रेनफॉल और सॉइल, ये चार जो है वो इफेक्ट करती हैं। अब बात करें अगर क्लाइमेट की, तो ये मोस्टली क्लाइमेट जहाँ मेजर कंट्रीब्यूटर जो वीट के लिए, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है, रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। तो एक स्पेसिफिक खास टेम्परेचर भी चाहिए होता है वहाँ का, और रेनफॉल जो है ना वो भी रिक्वायर है ताकि इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज़ है आप टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जहाँ पे ये है, क्योंकि ये जो है ना वो रबी फसल है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है ना जहाँ पे ये हार्वेस्टेड हो वहाँ का टेम्परेचर हॉट और ड्राई वेदर होना चाहिए। बेस्ट जो एरियाज हैं इसके ग्रोन करने के लिए, वहाँ का टेम्परेचर बिटवीन 50 to 60 degrees फॉरन हाइट होना चाहिए, ठीक है, यानी दरमियाना सा होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अगर वहाँ के रेनफॉल की बात करें, तो रेनफॉल जो है ना, रेन वाटर इज़ नॉट सफिशियंट, सो इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो है ना मोस्टली ये 83% जो वीट ग्रोन की जाती है वो इरीगेटेड एरिया के में की जाती है, पंजाब वगैरह में की जाती है। तो वीट इज ग्रोन आर ग्रोन यूजली रेन फेड, तो मोस्टली जो है ना रेन फेड एरियाज में भी जो है इसको किया जाता है, क्योंकि ये इसको रेन चाहिए होती है। सॉइल जो वहाँ की है, एक तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्लाइमेट और टेम्परेचर के साथ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रोल प्ले करती है वीट की प्रोडक्शन में। तो वहाँ का जो मिक्सचर होता है वो सैंड एंड क्ले होता है, अलॉन्ग विद एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर इज ऑल्सो नोन एज सिल्ट एंड लोम सॉइल भी होती है, जैसे इंडस प्लेन वगैरह की सॉइल है, तो ये उस जगहों पर होता है मोस्टली। अब नेक्स्ट जो है ना पूर सॉइल, और अगर रेन जो रेन है वो लेस होगी तो इसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, जैसे बलोचिस्तान प्लेटू और थल डेजर्ट, डेजर्ट वगैरह में इसकी कम है। अगर कंडीशन फेवरेबल होगी तो प्रोडक्शन भी इसकी कम होगी, जैसे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, जैसे ट्रांस इंडस एंड इंडस प्लान है पंजाब और सिंध में। नेक्स्ट है जी वीट ग्रोइंग रीजन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से, तो पाकिस्तान में अगर वीट ग्रोइंग रीजन की बात करें तो इंडस प्लान है, लोअर इंडस प्लान है, यानी इंडस प्लान के जो मैदान वगैरह हैं जिसमें खैरपुर है, नवाब शाह है, गोटकिया, हैदराबाद है, केपी की में अगर देखा जो मर्दान और डी आई खान है, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में ये क्रॉप जो है वो मोस्टली की जाती है हार्वेस्टेड। नेक्स्ट है जी ज्वार, अगर देखी जाए जिसको बाजरा भी कहते हैं और इंग्लिश में सोरगम भी इसको कहते हैं, एंड बाजरा जिन ज्वार को सोरगम कहेंगे या सोरगम कहेंगे, जबकि बाजरा को मिलेट कहेंगे। अब ज्वार और बाजरा ये भी बहुत जो है ना वो इरीगेटेड और अन इरीगेटेड इंक्लूडेड इन खरीफ क्रॉप्स, ये दोनों जो है ना खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। एकड़ वाइज जो है ना बाजरा इज लेस कम्पेयर टू ज्वार, तो जो बाजरा है वो लेस सोन किया जाता है। एग्रीगेटेड एरिया पंजाब और सिंध जो है वो इसमें फेमस है बाजरे की प्रोडक्शन के लिए। अब बाजरे के क्या फ़ायदे हैं, बाजरा जो है ना वो मोस्टली लोग इसको टेस्ट चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो है ना ग्रेन एज वेल एज फोडर क्रॉप है, फोडर क्रॉप है। ये रिच एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं, इनमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं। ये इन टेक करने से जो है ना समर में लोग डिस्कम्फर्ट एंड डिजेस्टिव प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ज्वार को जो है ना वो मोस्टली लोग, ग्लूटेन फ्री होती है और रिच फाइबर एंड प्रोटीन्स होते हैं इसमें। ये ब्लड शुगर लेवल वैसे जो है ना ज्वार कंट्रोल करती है मोस्टली, इसको लोग जो है ना वो इसके ग्रेन वगैरह जो है ना उनको वो पॉपकॉर्न वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए करते हैं। वाइटामिन, मिनरल्स वगैरह, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। ज्वार ग्रोइंग अब रीजन जो है पाकिस्तान में, इनमें इरीगेटेड एरिया जिनमें गुजरात, ख्वाबशा वगैरह जो है ना वो खुशाब वगैरह, राजपुर वगैरह आते हैं, राजपुर, राजनपुर वगैरह। और इसी तरह अगर बाजरा ग्रोइंग रीजन देखें तो पंजाब है, सिंध है, केपी के, बलोचिस्तान में। तो चारों रीजन के आपने नाम लिख के, चारों सूबों के, फिर आपने आगे आपने एक एक शहर मेंशन कर देना है। अगर बार्ले की बात करें तो ये भी एक रबी क्रॉप है, ठीक है,
बारले, तो ये मेन माइनर फूड है, क्रॉप है पाकिस्तान की, ये मोस्टली जो है ना वो मशरूबात में भी यूज़ होती है बारले जो है ना, वो पाकिस्तान में जो है ना इसकी बारले या फिर इसको पोर्ट बारले भी कहते हैं। तो ये बारले का कुछ जो है ना इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, जो मेन फसल है। अब राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। 3.1 जो है ना कैश क्रॉप भी है और फूड क्रॉप भी है, एडेड करता है एग्रीकल्चर में। 0.6% ऑफ GDP का हिस्सा है, ये हाई परसेंटेज है, इसमें स्टार्च वगैरह होता है और जो है ना इसमें लेस जो है ना प्रोटीन और विटामिन होते हैं, लेकिन ये जो है ना मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटिंग 2.1% इन GDP। इसको बाहर जो है ना पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बरामदात में ये आता है। ये जो है ना वो राइस क्रॉप अगर 2018 और 19 की रिपोर्ट मुताबिक देखा जाए तो राइस की क्रॉप पाकिस्तान में डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी नुकसान होता है। तो प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह से जो है ना डिक्रीज इन एरिया कल्टीवेटेड और शॉर्टेज ऑफ वाटर भी ये रीज़न थे। तो ड्राई जो है ना वो इम्प्रूव बॉल मूवमेंट, रेगुलेट्स द स्टेबिलिटी, इसका फ़ायदा क्या, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल करता है और ये विटामिन B1 प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। फिजिकल कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए जी ग्रोथ के लिए जो राइस की है, क्लाइमेट, इरिगेशन और सॉइल। क्लाइमेट यानी वहाँ का जो है ना वो प्रॉपर फिजिकल फैक्टर, देयरफॉर स्पेसिफिक रेनफॉल क्वांटिटी और टेम्परेचर रिक्वायर होता है। इसके लिए इरिगेशन भी होना चाहिए, यानी पानी बहुत ज़्यादा इसको चाहिए होता है, तो 45% इंचज रेन जो है ना उस रीजन में चाहिए होती है। पंजाब में मोस्ट लोग लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो फिर पानी वगैरह भी प्रॉपर इंतजाम करते हैं, इरीगेशन करते हैं। सॉइल वहाँ की कैसी हो जी, वहाँ का अलॉन्ग विद टेम्परेचर और सॉइल जो है ना वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसकी ग्रोथ के लिए। तो सॉइल जो है ना वो प्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट की जाती है, मोस्टली जो है ना स्लॉपी सॉइल है या फिर ड्रेन की जाती है एज वेन रिक्वायर्ड, तो उसमें प्रॉपर जो है ना पानी वगैरह लगाया जाता है। ये मोस्टली जो है ना सॉइल रिवर उसके साथ साथ या फिर सुपर बासमती जो है ना वो हाई एक्सपोर्ट की जाती है पाकिस्तान में, पंजाब वगैरह सिंध वगैरह में जो है ना इसको चावल को जो है ना KPK में किया जाता है कल्टीवेट। अब मोस्टली जो रीजन है पाकिस्तान, सिंध, KPK, बलोचिस्तान। अब पाकिस्तान पंजाब में अगर देखा जाए गुजरात सियालकोट वगैरह, सिंध में ठट्टा बदीन दादू, KPK में पेशावर नौशेरा, इन जो भी बड़े शहर हैं उनमें मोस्टली चावल वगैरह किए जा रहे हैं। मेज़ अगर बात करें यानी मकई की, तो अब वीट और राइस के बाद जो है ना मेज़ मेज़ भी बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। इसके भी 2.6 जो है ना वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में इसका पार्ट है और 0.5% ये GDP में हिस्सा लेती है। ये भी मोस्टली लोग जो है ना इसको खाते हैं, सीरियल वगैरह जो है ना मोस्टली ये लार्जेस्ट प्लांट हाइट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, वैसे ये जो स्नैक्स वगैरह बनाने में इनमें जो है ना वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिजिकल कंडीशन अगर देखी जाए फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज़, तो इसका इसके लिए टेम्परेचर बहुत चाहिए होता है, क्योंकि ये गर्मियों में होती है, तो इसके लिए वार्म जो है ना वो वेदर होना चाहिए, क्योंकि ये समर क्रॉप में है, ठीक है, और साथ में खरीफ है, देन जो है ना इस वजह से इसके लिए जो है ना वो ये चाहिए होता है। इरिगेशन का भी प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, पानी वगैरह इसको भी प्रोवाइड चाहिए होता है, क्योंकि इसके भी नेचर ऐसी है। फिर सॉइल भी इसके लिए लूमी सॉइल चाहिए होती है, सॉइल नियर जो है ना वो रिवर वगैरह के इसके होती है। पाकिस्तान में जो मेज़ ग्रोइंग एरिया है वो पंजाब, KPK में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट नौशेरा है के पंजाब में, हरीपुरा, स्वात है, दीर है और कोहाट है KPK और वगैरह में, ये है जो है ना वो सरगोधा वगैरह भी इसमें आते हैं। तो ये अब हमने देखना है इसमें आप क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड वीट, राइस और वीट में क्या डिफरेंस है, कि वीट को किस तरह का एनवायरमेंट चाहिए और राइस को किस तरह का चाहिए, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैश क्रॉप कौन कौन सी हैं, तो राइस भी पाकिस्तान जो है ना वो कैश में आता है, कॉटन कैश में आता है, ठीक है, वीट जो है ना वो भी कैश में आती है, तो ये सारी चीज़ें बाहर भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है जिससे प्रॉफिट भी कमाता है। मेज़ और बारले कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, तो मेज़ जो है ना वो मकई है और बारले जो है ना जिसको कहते हैं ज्वार वगैरह, ठीक है। तो ये इनमें क्या जो है ना वो डिफरेंस, जौ वगैरह ये किस तरह जो है ना वो क्लासीफाई किया जाता है, ये चीज़ें आपने बतानी है। अब आता है जी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैश क्रॉप्स पाकिस्तान की कौन कौन सी, या नॉन फूड क्रॉप्स जिनको मोस्टली जो है ना वो हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब शुगर कैन यानी इसमें देखा जाए तो प्लांट शुगर कैन एंड रतून क्रॉप इसको कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गन्ना, ठीक है। तो ये जो है ना मोस्टली ऑक्यूपाई करता है गुड स्टेटस इन पाकिस्तान में, इवन इट इज रॉ फॉर्म में ही बेच देते हैं पाकिस्तान ये। तो शुगर कैन जो है ना वो यूटिलाइज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड वाइट शुगर, ठीक है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, तो ये भी एक खरीफ क्रॉप है जो शुगर कैन है, यानी मकई और जो है ना ये एक ही साथ जो है ना वो काश्त की जाती है। इट हैज़ शुगर विच हैज़ 2/3 गुड अमाउंट, जो शुगर है वो 2/3 है गुड, और जो है ना खंदसरी इसे बनाई जाती है, 2 क्रॉप जो है ना वो
टर्म डज प्लांट कैन, फिर एंड रतून क्रॉप, प्लांट कैन और रतून क्रॉप इनको कहा जाता है। इसको जो है ना वो इनिशियल और फर्स्ट क्रॉप जो होती है शुगर की उसको प्लांट कैन कहा जाता है, और क्रॉप ग्रोन फर्स्ट क्रॉप सीडलिंग क्रॉप इज कॉल्ड रतून। जो सीडलिंग क्रॉप सक्सीडिंग क्रॉप होती है जो दूसरे नंबर पर की जाती है उसको रतून क्रॉप कहते हैं। अब प्लांट जो है ना वो हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ए नेचुरल रेमेडी फॉर मैनी ग्रोथ। इसमें इम्यूनिटी लेवल वगैरह होता है, इसमें मैग्नीशियम जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, स्ट्रेंथन करता है द बेस्ट वर्किंग ऑफ लीवर, बिल्डअप करता है प्लाज्मा, यानी बहुत फ़ायदा है, शुगर वगैरह मेंटेन रखता है बॉडी की। फिजिकल इसके लिए जो कंडीशन वगैरह चाहिए होती है, क्योंकि अब ये मौसम गर्मा में होता है तो इसके लिए थोड़ा जो है ना वो क्लाइमेट भी पहले थोड़ा सा हीट हो, थोड़ी सी टेम्परेचर बैलेंस हो, ठीक है, फिर जो है ना वहाँ के सक्रोज कंटेंट भी ज़्यादा हो, टेम्परेचर जो है ना वो वहाँ का हॉट हो थोड़ा पीरियड, और जो है ना रिपनिंग पीरियड ताकि इसको पकने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, सनी वेदर हो, इरीगेशन भी हो कल्टिवेशन के लिए, ठीक है, या फिर लेस रेनफॉल भी हो तो कोई मसला नहीं है। सॉइल जो है ना वो रिच उसमें फास्फोरस पोटाश लाइम और गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस भी हो, तभी जो है ना ये अलॉन्ग विद एलोवेल और लोमी सॉइल जो है ना वो इसके लिए प्रेफर की जाती है। शुगर कैन एरिया जो पाकिस्तान में है, आप पाकिस्तान में पंजाब के पी के सिंध और के पी के तीनों जो है ना वो सूबों में पाया जाता है। टबैको जो है निकोटोना निकोटियाना भी इसको कहते हैं, ये जो है ना वो खरीफ क्रॉप है और ये भी कैश क्रॉप है, मोस्टली बाहर ही बेची जाती है। टबैको प्लांट जो है ना वो मच्योर जब होते हैं 3 मीटर होता है ऊंचा, इसके लीव्स को प्लग करके ड्राई करके उन जो है ना प्रोडक्शन ऑफ टबैको की जाती है जो सिगरेट में डाले जाते हैं, ठीक है। इसका जो रिलेटेड मैश है वो स्मोक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जो है ना बेस्ट पॉइजन है फॉर एग्जांपल स्नेल वगैरह के लिए, और ये कुछ चीज़ों को जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को, तो ये जो बॉयल्ड लीव्स हैं क्रॉप्स इसके टबैको के वो कीप करते हैं मस्टैको एंड बैड बग्स, तो वो बैड बग्स और जो मस्कीटोज वगैरह उनको दूर रखते हैं, ठीक है, धुएं से। अब इसके फिजिकल देखें तो टेम्परेचर जो है वो 50 to 80 फ़ारेनहाइट चाहिए, यानी दरमियाना सा टेम्परेचर चाहिए, वार्म डेज और नाइट कूल दरमियाना सा मौसम, रेनफॉल भी वहाँ की जो है ना वो एवरेज हो, मॉडरेट रेनफॉल हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, सॉइल जो है ना वो लूमी ड्रेन लूमी सॉइल हो, ठीक है। टबैको जो है ना ग्रोइंग पाकिस्तान के एरिया में के पी के में चरसदा वगैरह मरदान वगैरह मलाखान, पंजाब में जो है ना वो टोपा टेक सिंह फैसलाबाद उखाड़ा, बलोचिस्तान में जो है ना वो फिसिंग एंड किला सैफुल्ला। कॉटन जो है जो रुई वगैरह है ये भी पाकिस्तान की जो है ना एक कैश जो है वो क्रॉप है, 8% जो है ना जी डी पी में शेयर करता है, 4.5% जो है ना वो इन एग्रीकल्चर वैल्यू में एडिशन करता है। क्रॉप जो है ना कॉटन क्रॉप फेस कर रहा है सिग्निफिकेंट चैलेंज विज आ विज कम्पीटिंग क्रॉप्स स्पेशली शुगर कैन के साथ, जो है ना ये भी एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट जो है ना चैलेंज फेस कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो इन अनफेवरेबल इंटरनेशनल प्राइसेस इसकी इतनी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में मोस्टली रॉ मटेरियल में ही बेचा जाता है, तो ये पाकिस्तान में लेकिन बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो कल्टिवेट किया जाता है। जी डी पी का हिस्सा भी है, ये लार्ज रेवेन्यू इससे भी जो जनरेट किया जा रहा है, ये भी खरीफ फसल क्रॉप में ही आता है। इसके लिए फिजिकल कंडीशन जो है, अब क्योंकि ये खरीफ में है तो इसके लिए एवरेज टेम्परेचर 25 सेल्सियस यानी एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, वाटर भी जो है ना वो मॉडरेट होना चाहिए, मिनिमम रेम फॉल जो 20 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, प्रोडक्शन 30 to 48 इंच रिक्वायर्ड होती है, सॉइल जो है ना वो उसके लिए ह्यूमस होना चाहिए, ठीक है ना, यानी उसमें जो है ना प्रॉपर जरखेज़ ज़मीन होनी चाहिए, फॉस्फेट और पोटाश भी जो है ना मेनली उसमें पाए जाते हैं। पाकिस्तान में जो रखें उनमें जो है ना तीनों पहले सूबों का जिक्र है, फिर जो है ना उसमें डी आई जी खान मुल्तान जंग पंजाब वगैरह में ये कॉटन की जाती है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन एंड कॉटन, के शुगर कैन गन्ना और कॉटन के यानी प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, डिस्कस करें कंडीशन दैट आर गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। तो ये खरीफ फसल है तो इसके लिए जो है ना वो मौसम दरमियाना सा गर्मा वगैरह पसंद किया जाता है। फिर कंट्रीब्यूशन दैट आर गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, क्लासीफाई एरियाज टू वेयर कॉटन एंड टोबैको इज प्रोड्यूस, तो वो आपने फिर देखना है। अब जो नेक्स्ट है कंडीमेंट एंड वेजिटेबल्स, जो मसाला जात और सब्जियां वगैरह हैं, तो वे फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द टर्म, पहले सबसे पहले हम करेंगे कंडीमेंट्स होते क्या हैं, सो दैट वी विल पिक जो है ना वो मेन कंसेप्ट करेंगे। कंडीमेंट जो है ना इज अ सब्सटेंस यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड, चूँकि जो मसाले वगैरह फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें ऑनियन गार्लिक और चिलीज वगैरह हैं, ठीक है, ये जो है ना मोस्टली यूज़ होते हैं ताकि स्पाइसेस वगैरह मेकिंग किए जाएँ, और जो ऑनियन है वो यूज़ किया जाता है ताकि तकरीबन एशिया में तो ऑल फूड में जो है ना वो टेस्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये एक नॉन वेजिटेबल है, जो है ना वो कुक्ड की जा सकती है सेपरेटली,
जो ऑनियन है यानी जो प्याज है, गार्लिक भी एक कंडीमेंट है जिसको कुकिंग में यूज़ किया जाता है, ये एज अ मेडिसिन भी यूज़ होता है, यूनिक स्पेशलिटी है इसमें। फिर जो है ना वेजिटेबल्स ग्रोन इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट कल्टीवेटेड इन बोथ सीजन, ये ऐसी कुछ वेजिटेबल्स हैं कंडीमेंट और वेजिटेबल्स वगैरह जो दोनों सीजन में की जाती हैं, रबी और खरीफ में, जैसे पोटैटो है, टमाटो है, ठीक है, ये पाकिस्तान में जो है ना वो दोनों सीजन में की जाती हैं। वेजिटेबल जो बहुत हाई जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इनमें, इस वजह से प्रोटीन मिनरल्स वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं, इंसानी सेहत को हेल्दी रहने में मदद करते हैं। अब कुछ वेजिटेबल्स हैं जो ग्रोन की जाती हैं पाकिस्तान में, जिनमें टमाटो है, यानी टमाटर हैं, चिलीज हैं, ब्रिंजल हैं, पोटैटो हैं, गार्ड्स हैं, ओकड़ा हैं, ओकरा हैं, ये समर वगैरह में जो है ना वो की जाती हैं। इसी तरह जो है वो जो पीज, टर्निप, रेडिश, कैरेट, कैबेज वगैरह विंटर क्रॉप्स हैं, तो ये पाकिस्तान में जो है वो सर्दियों और गर्मियों की अपने सब्जियां लिख देनी है। नेक्स्ट है जी, कुछ ऑयल सीड जो है ना वो भी पाकिस्तान में किए जाते हैं। अब एनिमल फैट एंड जो ऑयल सीड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि एसेंशियल नीड फॉर ह्यूमन बॉडी। पाकिस्तान में ऑयल जो है ना वो मोस्टली कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ऑयल सीड जो है ना वो दो तरह की होती हैं क्रॉप्स हैं पाकिस्तान में, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनल है उसमें इंक्लूड है जी कैस्टर कैस्टर ऑयल है, कॉटन सीड है, लाइन सीड है, सी सी जो है ना सी सेम है, मस्टर्ड है एंड ग्राउंडनट ऑयल है, ये कॉमन किए जाते हैं। जबकि नॉन ट्रेडिशनल जो है सोयाबीन है, सनफ्लावर एंड साफ सैफ्लावर है, ठीक है। अब अगर क्रॉपिंग सीजन में देखा जाए, जो क्रॉपिंग सीजन है उनमें जो है ना वो मोस्टली रेप सीड्स सनफ्लावर लाइन सीड यानी मस्टर्ड वगैरह को जो है ना वो हार्वेस्ट किया जाता है समर में, विंटर में। समर ऑयल में देखा जाएगा तो उसमें जो है ना वो सीसम, सोयाबीन और ग्राउंडनट्स किए जाते हैं, ठीक है। अब जो है ना वो सनफ्लावर सीड जो है ना वो इज ग्रोन इन स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, तो पाकिस्तान में जो है ना वो लार्जेस्ट पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। एडिबल इंडस्ट्रियल अगर ऑयल सीड में देखा जाए तो पाकिस्तान में जो एडिबल का मतलब जो खाने के काबिल हूँ उसमें जो है ना वो ऑर्डरलेस फ्राइंग ऑयल जो जिनमें चीज़ें फ्राई की जाती हैं जिसमें मस्टर्ड, सीसम वगैरह, सनफ्लावर, सोयाबीन और रेप सीड वगैरह जो है वो आते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इनसे की जाती है। अब फ्रूट अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वाइड रेंज ऑफ जो है वो फ्रूट्स वगैरह पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रूट्स जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिनमें फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी, डी होता है, फोलिक एसिड होता है, जिसमें पाकिस्तान में जो फ्रूट्स हैं वो मोस्टली मैंगो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एप्पल है, बनाना है, गुआ है, पीच, पेयर, फिर ग्रेप्स वगैरह जो है मोस्टली जो आप आम फ्रूट खाते हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आप बैर है जो वेल नोन पाया जाता है वर्ल्ड की दुनिया के पार्ट में, इसको कल्टिवेशन किया जाता है मोस्टली अफ्रीका वगैरह में और सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया में भी इसको कल्टिवेट किया जाता है। इसमें अब जो है ना हाईली न्यूट्रिशन वैल्यूज है, विटामिन ए सी है, कैल्शियम वगैरह है ह्यूमन बॉडी के लिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेनिफिट क्या है, ये इंडाइजेशन में हेल्प करता है, सेडेटिव प्रॉपर्टीज है, इट सूथ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो है ना वो नर्वस सिस्टम को प्रॉपर सही करता है, सेडेटिव यानी आपको जो नींद वगैरह जो टेंशन वगैरह उसको उससे रिलीफ प्रोवाइड करता है। स्किन टॉनिक है, स्किन को यंग और हेल्थी रखता है, बेनिफिशियल है ताकि आपके मसल बोन्स को हमारे को हेल्थी रखता है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, वेट प्रोडक्शन करता है, और ब्रीफली क्वालिटी जो है ना अगर इसको यूज़ करें तो ये एंटी कैंसर सप्लीमेंट भी यूज़ होता है जिसको हम बैर कहते हैं। दूसरी चीज़ है जामन, ये तो ये जामनी कलर का छोटा सा इसको जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है, बहुत स्वीट भी होता है और जो है ना इसका माइल्डी सोर भी होता है, स्ट्रॉन्ग है, टेंडेंसी है ईट करते हुए, और ये इसकी हीलिंग एजेंट है, कंट्रोल करता है डायबिटीज को, और फिर जो ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को बॉडी का मेंटेन करता है, ये सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी है। एप्रिकॉट जो खुबानी वगैरह है वो भी बहुत यूजफुल है, इसका कलर जो है ना वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है, माल्टा सा कलर होता है, येलो सा कलर का होता है, गिलगित बल्तिस्तान में ये ठंडे इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 90% जो होते हैं वो टोटल क्रॉप ये जो है ना बलोचिस्तान के किला सैफुल्ला और लोरालाई पिशन कोटा वगैरह में पाया जाता है। पीच है नेक्स्ट, ठीक है, खुबानी जिसको कहते हैं वो एक वाड़ी के खुबानी होती है, दोनों जो है ये खुबानी जैसी ही है, एक एक जैसी है एप्रिकॉट और हाँ ये पीच जो है ना ये हो गया आड़ू, ठीक है, एप्रिकॉट खुबानी पीच आड़ू। आड़ू जो है ना ये भी उसी की एक ब्रांच है, येलो कलर का होता है, ठीक है, ये भी जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं, स्किन के लिए अच्छा होता है। फाजे हैं जिसको ग्रेविया कहते हैं, ये भी पाकिस्तान में कूल समर जो है ना वो ड्रिंक है नॉर्मली इसको, जिसका लोग जूस वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉपर पीते हैं, ब्लैक शेड का होता है, ठीक है। ऑरेंज है, ऑरेंज को सर्दियों में जो है ना वो मोस्टली, ये तो विंटर में जो है ना वो लोग खाते हैं, इसमें फ्लेवर यूनिक फ्लेवर यूज़ होता है और ये बहुत अच्छा होता है, यानी विंटर वगैरह में जो है ना वो लोग को जंडिस वगैरह से बचाने के लिए।
वाटरमेलन है, वाटरमेलन जो है वो गर्मियों में मोस्टली का हार्वेस्ट किया जाता है, पानी वगैरह को जो है कमी को जो डेफिशिएंसी होती है किसी इंसान में उसको पूरा किया जाता है हाइड्रेटिंग, अप टू 95% जो है इसमें वाटर वगैरह होता है, ये ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करता है। मैंगो जो है वो भी येलो कलर का है, वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, कंट्री में कल्टिवेशन की जाती है इसकी, इसको पाकिस्तान में एक्सपोर्ट भी किया जाता है और ये गुड टेस्ट भी होती है इसकी, और पाकिस्तान में ये पंजाब और सिंध में बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। अब बेनिफिट आपके बैर के बता रहे हैं कि बैर क्या बेनिफिट है फिर, व्हाई वेजिटेबल्स एंड कंडीमेंट्स आर नेसेसरी फॉर हेल्थ, ये आपने देखना और जो नेम बताने कुछ और सीड वगैरह के। नेक्स्ट है पल्सेस, कि पाकिस्तान में दालें कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो पाकिस्तान की अगर पल्सेस जो है ना आप जो दालें हैं वो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती हैं, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन रेट के साथ पाकिस्तान में जो एनर्जी की जो फूड की डिमांड बढ़ रही है वो इम्पोर्टेंट पल्सेस वगैरह ग्रो की जा रही है पाकिस्तान में, जिसमें मटर मसूर की दाल, माश दाल और मूंग दाल और ग्रेम दाल जो है ना वो छोले वगैरह इसमें किए जा रहे हैं। अब मसूर की दाल में देखें तो एक रबी क्रॉप है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में मोर देन जो है ना वो मूंग और माश दाल से जो है ना वो मसूर की दाल ज़्यादा की जा रही है, पंजाब में बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो कल्टीवेट किया जा रहा है। मसूर को जो है ना रेड लेंटिल्स भी कहते हैं, तो पास्ट ये टेकन किया जाता है एसेंशियल पार्ट ऑफ ओवर जो है कजिन्स, हमारे खानों का ये एसेंशियल पार्ट मसूर जो है ना वो इसको देखा जाता है और बड़ी खूबसूरती से लोग पकाते हैं, क्योंकि ये शुगर लेवल और बॉडी पे इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर हैं। तो ये पाकिस्तान में बलोचिस्तान सिंध और पंजाब में मोस्टली जो है ना वो इसको कास्ट किया जाता है। अगर ग्राम देखा जाए जिनको चना और चिक पीस भी कहते हैं जो ग्राम थे, ठीक है, मटर यानी इनमें फास्फोरस जिंक विटामिन जिंक और मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट होता है, ये भी एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। एनीमिया अगर खून की कमी वगैरह हो तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फीमेल बहुत ज़्यादा जो इसको खाती हैं उनको ये फायदा होता है। बलोचिस्तान सिंध पंजाब के पी के तकरीबन चारों सूबों में इसको कास्ट किया जाता है। मूंग के अगर देखा जाए तो वो खरीफ की स्पेशल फसल है, कल्टीवेट की जाती है वादर और एरिगेशन में, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स यानी जो भी पल्सेस हैं इनमें प्रोटीन विटामिन और मिनरल वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मटर, मटर को पल्स क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है, ये सोन की जाती है एज अ वेजिटेबल एज वेल एज पल्स क्रॉप, ठीक है, ये मटर जो है ना वो सिंध में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पीस भी इनको कहते हैं, स्वीट होते हैं, स्टार्ची होते हैं, ग्रीन रिच होते हैं और इनमें प्रोटीन फाइबर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। एरिया जो है ना वो मुल्तान जफराबाद स्वात वगैरह में ये पाई जाती है। तो दैट्स ऑल इन दिस यूनिट 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी यू कैन राइट इन कॉमेंट बॉक्स, ऑल्सो शेयर लिंक विद अदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।